हेलो बीएल लवर्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल इट्स साइन ड्रामा। सो आपने बहुत सारे बीएल ड्रामा देखे होंगे, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ एनिमेस ड्रामा। आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। गाइज, ये स्पेशली वीडियो जो है मैंने जो एनिमेस लवर्स होते हैं उनके लिए बनाई है, क्योंकि बीएल ज़्यादा पसंद करते हैं इसमें देखना। वैसे मैंने भी इसमें से बहुत सारे बीएल देखे हैं और इनकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट है बनाना फिश। ये दो लोगों के बीच बॉर पर है बेस्ड, और इसमें जो हमारा फर्स्ट लीड होता है वो एक बहुत बड़ा माफिया डॉन होता है, और सेकंड लीड जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो गाइस, इन लोगों की किस तरह से बॉर स्टार्ट होती है और बॉर से ही इनकी स्टोरी बनती है वही हम देखेंगे। इसके ऑथर का नाम अकीमी योशिदा है, और ये एडवेंचर व एक्शन से भरपूर है, और गाइस इसमें 24 एपिसोड हैं। सेकंड है यूरी ऑन आइस। गाइस, इसमें जो हमारा फर्स्ट लीड है वो बहुत फेमस आइस स्केटर होता है, और जो हमारा सेकंड लीड है वो भी आइस स्केटर होता है लेकिन वो फेमस नहीं होता है। तो किस तरह हमारा जो फर्स्ट लीड है वो सेकंड लीड से मिलता है और उसे स्केटिंग सिखाता है, और इस तरह से इनकी एक क्यूट स्टोरी शुरू हो जाती है। गाइस, हमारा सेकंड लीड जो है वह उसका क्रश हमारे फर्स्ट लीड पर होता है, यहीं से इनकी स्टोरी स्टार्ट होगी। अब इसे आगे आप खुद देखिएगा, और इसके ऑथर का नाम है मित्सुरो कुबो, और यह बहुत कॉमेडी एंड रोमांटिक ड्रामा है। इसके 12 एपिसोड हैं। थर्ड है गाइस गिवन। इसमें 4 बॉयज़ का रॉक बैंड होता है, और यह ड्यूअल रोमांटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड ड्रामा है। और गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, और इसमें जो है कॉम्प्लिकेटिव रिलेशनशिप है, तो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है नासुकी कीजो, और इसमें एपिसोड जो हैं 11 एपिसोड हैं। तो गाइस प्लीज़ देखना अगर आपको अच्छा लगे तो। फोर्थ है गाइस ससाकी एंड मियानो। ससाकी जो है वो हमारा मेन लीड है, और मियानो जो है वो हमारा सेकंड लीड है। तो हमारे सेकंड लीड को जो है बॉयज लव मांगा पढ़ना बहुत पसंद है, और जो हमारा मेन लीड है उसको हमारे सेकंड लीड पर जो है फर्स्ट टाइम ही देखती क्रश हो जाता है, यानी कि लव हो जाता है। गाइस, ये ड्रामा रोमांटिक एंड कॉमेडी है, और इसके जो ऑथर हैं वो सहो हारुसोनो हैं, और इसमें जो है 12 एपिसोड हैं। आप लोग देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, फिफ्थ है द स्ट्रेंजर बाय द सोर। इसमें हमारे जो फर्स्ट लीड है वो गे एस्पायरिंग नॉवलिस्ट है, और हमारा सेकंड लीड के जो पेरेंट्स हैं उसके चाइल्डहुड में ही मर जाते हैं। तो हमारा सेकंड लीड और फर्स्ट लीड दोनों ही चाइल्डहुड से एक साथ बड़े होते हैं, और सडनली हमारा सेकंड लीड जो है वो अपनी सिटी को छोड़कर चला जाता है। आफ्टर 3 ईयर लेटर बाद वो दोबारा मिलते हैं दोनों, और कैसे उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है वो तो आप खुद देखना गाइस। और इसके ऑथर जो हैं वो कनाकी हैं, और ये 58 मिनट का ड्रामा है। गाइस, 6 है मोदाओ जूसी। गाइस, ये एक मांगा है, और इसका ड्रामे का जो टाइटल है वो द अनटेम्ड नाम से है। इसमें फर्स्ट लीड इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन वाला होता है, और जो सेकंड लीड है वो चंचल नटखर और शरारती होता है। गाइस, इसमें सभी राज्य के जो लोग हैं वो एक राज्य में आते हैं शिक्षा लेने के लिए, वहीं पर हमारे फर्स्ट लीड और सेकंड लीड की फर्स्ट मीटिंग होती है। इसके ऑथर का नाम है मोंग श्यांग तोंगसू, और इसमें 35 एपिसोड हैं। गाइस, ये ड्रामा MX प्लर पर भी अवेलेबल है द अनटेम नाम से, तो आप लोग वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। 7 है हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग। गाइस, ये स्टोरी गॉड एंड गोस्ट किंग पर बेस्ड है। जो गोट किंग होता है उसकी पावर दूसरे गोट छीन लेते हैं। अपनी पावर वापस लेने के लिए गोट किंग धरती पर जाकर गोस्ट किंग को पकड़ने जाता है, ताकि वह और देवताओं को खुश करके अपनी पावर वापस ले सके। जब गोट किंग धरती पर जाता है तो हमारे सेकंड लीड से मिलता है, जो कि हमारा गोस्ट किंग ही है। तो गाइस, कैसे गोट किंग को गोस्ट किंग से लव होता है और वह गोस्ट किंग को पकड़ेगा या नहीं, ये तो आप खुद ही देखना। ये ड्रामा इमोशनल रोमांटिक और सस्पेंस से भरा है, और एडवेंचर से भी, और इसमें 11 एपिसोड हैं। गाइस, 8 है हितोरोजिमी माय हीरो। इसमें एक टीनेजर बॉय है जिसे उसके नेबरहुड
गैंग बुलीज करती हैं और उसे लगता है कि उसे कोई भी कभी इन गैंग से सेव नहीं कर सकता है। सडनली गाइज उसकी लाइफ चेंज होती है जब उसकी लाइफ में सेकंड लीड की एंट्री होती है और यहाँ से ड्रामा की स्टोरी स्टार्ट होती है। और ये ड्रामा बहुत रोमांटिक है और इसके 12 एपिसोड हैं और इसके ऑथर का नाम है मिमिको आरी। 9th है जिंजो रोमांटिका। इसमें जो हमारा सेकंड लीड है वो अपने फ्रेंड को पसंद करता है बट उसे जब पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो ये सुनकर उसे बहुत हर्ट हो जाता है और वो एक बार में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। वहीं पर उसे हमारा फर्स्ट लीड मिलता है और ये लोग एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। उससे आगे क्या होगा गाइस वो तो आप खुद देखना। वैसे मैं बताऊँ तो ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये कॉमेडी ड्रामा है, इसके 36 एपिसोड हैं। 10th है लव स्टेज गाइज। इसमें जो हमारा सेकंड लीड है उसकी जो फैमिली है वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी आगे चल के एक फेमस एक्टर बने बट हमारे जो सेकंड लीड है उसको ये सब पसंद नहीं है, फेम पसंद नहीं है और इसलिए इन सब से दूर भागता है। बट गाइज किस तरह से हमारा एक फेमस एक्टर को हमारा सेकेंड लीड पसंद आता है और इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। और इसके ऑथर का नाम एक एक की है और इसमें 11 एपिसोड हैं। गाइस ये बहुत रोमांटिक ड्रामा है, आप लोग इसे ज़रूर देखना, आपको आया बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं और भी ऐसे नए नए रियल्स ड्रामा की वीडियो लेके आऊँ। गाइस ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।